करती है बियाबानों में, ये शेर होता नहीं बल्कि ये शेर अता होती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जना जफराबादी साहब तशीला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल करें, उसके बाद में कुछ मकामी शोरा है जो बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश करते हैं। जो अभी जाहिद भाई ने एक शेर सुनाया उसी को पूरा कर देता हूँ, उसका एक मतलब और एक शेर एक मौला गाजी अब्बास के हवाले से एक नई फिक्र है पेश करूंगा इंशाल्लाह, समाप्त फरमाएंगे। राजू भाई बतौर खास मिसम भाई, खूने दिल दे के अगर सब्र से सी जा जाए, दो शेर शायद किसी काबिल हो। राजू भाई वहाँ फैम मजमा है, अब तो जो भी हैं सुनने वाले हैं सुनिएगा। आ रही है किस लिए बुए वफा मंजिल के पास, पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। आ रही है किस लिए बुए वफा मंजिल के पास, अरे कौन आखिर सो रहा है दश्त में साहिल के पास, कौन आखिर सो रहा है दश्त में साहिल के पास। मीसम भाई शेर सुनिएगा, कि अब अलम से मश्क हरगिज हो नहीं सकती जुदा, अब अलम से मश्क हरगिज हो नहीं सकती जुदा, रख लिया अब्बास ने मशकी जाप ने दिल के पास, अब्बास ने मशकी जाप ने दिल के पास। मौला हुसैन की बारगाह में शेर पेश कर रहा हूं, याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला, कि जिंदगी जितनी थी वो हमरा हसर वर ले गए। जाहिद भाई आपकी निजामत में काम आएगा इंशाल्लाह ताला, शेर सुनिएगा। जिंदगी जितनी थी वो हमरा हसर वर ले गए, अरे कुंद खंजर रह गया हारे हुए कातिल के पास, खंजर। और आखिरी शेर जहमत तमाम इंशाल्लाह, एक मसाइबी रुख को फजाइल में ढाला है, बतौर खास सुनिएगा राजू भाई। कुंड खंजर रह गया हारे हुए कातिल के पास, तो सानिए हैदर है जब तक साथ ज़ैनब ने कहा, जब तक साथ ज़ैनब ने
آب ہوا تک آ نہیں سکتی میری محمل کے پاس سبحان اللہ تک آ نہیں سکتی میری آئیے حضرات گزارش ہے